वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल सफलता सीरीज में आज फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब जब क्वेश्चन आए तो उसके आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस. चार लीडर्स के नाम दिए हुए हैं, पी आनंदाचार्यू, भूपेंद्र नाथ बोस, बाल गंगाधर तिलक एंड आनंद मोहन बोस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशंस रहे हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो भी याद करना बहुत जरूरी है. जैसे कराची सेशन में कौन था प्रेसिडेंट, राइट. अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं. बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस के मॉडरेट एटीट्यूड के अगेंस्ट थे और अपोज भी किया था उन्होंने. तो हमारा आंसर होता है ए. अब देखिए बाकी लीडर्स के भी जान लेते हैं कि कब कब कौन कौन प्रेसिडेंट बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आनंदाचार्यू जी 1891 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे. दूसरे हैं हमारे भूपेंद्र नाथ बोस जी, तो ये बने थे हमारे 1914 में. और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड की हेल्प की थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1919 का फॉर्म करने में. थर्ड हमारे आनंदा मोहन बोस जी, ये बने थे हमारे 1898 में कांग्रेस प्रेसिडेंट. और साथ ही साथ इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉर्म किया था, साधारण ब्रह्म समाज और इंडियन नेशनल एसोसिएशन. तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और हिस्ट्री में क्वेश्चंस इस तरीके के ही आते हैं, ईपीएफओ में तो डायरेक्ट ही आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द 1939 इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के इवेंट्स भी हमें पता होने चाहिए. त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको डिफीट किया था. तो हमारा आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू. तो हमारा आंसर है पट्टाभी सीतारमैया. ये जो है महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे. और देखिए 1939 में बोस जो थे वो री इलेक्ट हुए थे, 1938 में भी वो प्रेसिडेंट थे, इसी के लिए महात्मा गांधी जी ने अपोज किया और अपना जो कैंडिडेट है उसको खड़ा किया, लेकिन ये नहीं जीत पाए. लोगों ने पूरी बहुमत के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को वोट दिया, लेकिन जब ये मतभेद हुआ तो रिजाइन कर दिया था बोस जी ने. और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो दोनों कैंडिडेट्स नहीं हुए. ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाफर कर्व जो है हमारा वो क्या सजेस्ट करता है. तो दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. लाफर कर्व सजेस्ट दैट टैक्स रेट्स अबव अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू सिंस दे इंसेंटिवाइज पीपल नॉट टू वर्क. सेकेंड है इट सजेस्ट दैट लोअरिंग टैक्स रेट्स मोटिवेट्स पीपल टू अर्न मोर मनी रिजल्टिंग इन ग्रेटर टैक्स रेवेन्यू. तो ये चर्चा में है क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हुए हैं. टैक्स बायोन से जो है अभी तक 15 सालों में वो 2.72 पे पहुंच चुका है. इसका क्या मतलब हुआ कि मोर देन वन होता है तो काफी अच्छा अर्निंग जो है टैक्स रेवेन्यूज के थ्रू दर्शाता है. तो यहाँ पे क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. लाफर कर्व होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैक्स रेट आ जाएंगे हमारे और यहाँ पे टैक्स रेवेन्यूज आ जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके का ऐसा कर्व होता है जिसमें सीधा सीधा ये बताया जाता है कि जब गवर्नमेंट जो है एक टैक्स रेट हायर लेवल पे लेके जाती है तो रेवेन्यूज बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो मैक्सिमम कर देगी तो रेवेन्यूज जो है वो घटेंगे और लोग जो है डीमोटिवेट होंगे काम करने के लिए या अर्न करने के लिए. इसीलिए गवर्नमेंट को एक लिमिट में टैक्स रेट्स जो है बढ़ाने चाहिए और बढ़ाने के बाद जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कम करती है तब क्या होता है, लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं अर्न करने के लिए. तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट दी गई है कि जब लोअर किया जाता है टैक्स रेट को तो इट मोटिवेट्स पीपल टू अर्न मोर मनी और इससे क्या होता है मोर टैक्स रेवेन्यूज आते हैं. एक और पॉइंट है कि अगर टैक्स रेट जो है वो 0% पे होगा तो टैक्स रेवेन्यू 0 होगा, राइट. 100 पे होगा तो टैक्स रेवेन्यू 100 नहीं होगा, वो कम होगा. ये क्लियर रखना है. और लाफर कर्व जो है ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था,
तो 1979 में एंड आर्थर लेफर जो है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया और 1980s में बहुत ज्यादा ये यूज किया गया था लोगों द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब कम टैक्स रेट्स रहेंगे तो लोगों के पास ज्यादा मनी रहेगा एट देयर हैंड्स, वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। पर दो कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है, जो जीरो वाला है और जो 100% टैक्स रेट वाला है, राइट। गाइडलाइंस बाय विच चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट मे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिकमेंडिंग एन एड हॉक जज इंक्लूड्स। एड हॉक जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस स्थिति में होता है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसके थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनिशिएट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकमेंडिंग, ध्यान देना है, रिकमेंडिंग नॉट अपॉइंटिंग, ओके। तो कंडीशंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जजेस वेकेंसीज इज मोर देन 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, अगर ये कंडीशन हुआ, केसेस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years, मोर देन 10% ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओवर 5 years ओल्ड, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। रॉलेट एक्ट मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसकी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कौन सा कब हुआ था। तो हमारा आंसर होता है, पहले हमारा हुआ था थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में इंडिगो कल्टिवेशन के अगेंस्ट था। फिर आता है हमारा चौथा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये हमारा 1918 में हुआ था, लेकिन ये फरवरी में हुआ था, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा खेड़ा मूवमेंट, ये हमारा कब हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन ये मार्च में हुआ था। फिर आता है हमारा फर्स्ट वन विच इज रॉलेट एक्ट मूवमेंट। रॉलेट एक्ट आया था जिसमें विदाउट एनी ट्रायल इम्प्रिजन किया जा रहा था लोगों को, तो उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह निकाला गया जो 1919 में था। तो ये हमारी पूरी क्रोनोलॉजी हो जाती है। देखिए मंथ्स का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसी में हम लैग कर जाते हैं और स्कोर हमारा जीरो आ जाता है। फिर मलेरिया के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। सेकंड है, इट इज कॉज्ड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोअन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लास्मोडियम। थर्ड है, देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज That cause malaria in humans, लेकिन उनमें से दो जो हैं वो most destructive या greatest threat हैं, उनके नाम क्या है, falciparum and vivax। तो क्या ये सही है, and D है, all of the statement are correct। Answer है D option, सारे statement जो है malaria के ऊपर correct हैं। अब क्या हुआ है, तो घाना में अफ्रीका रीजन जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, वहां पे मलेरिया के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। वन चाइल्ड इन एवरी मिनट डेथ होती है बिकॉज ऑफ मलेरिया, और यहाँ पे फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये वैक्सीन बनाया है। अब इसमें जो बच्चों को टारगेट किया जा रहा है वो कितने बड़े होंगे, 5 से 36 महीने। यहाँ पे ये बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं मलेरिया से, और इन्हीं को टारगेट किया जाएगा इन वैक्सीन के थ्रू। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है। द एग्जीक्यूटिव डिसीजन टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस वॉज अराइव्ड एट फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू विच प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या पूछा है यहां पे, एग्जीक्यूटिव डिसीजन। यहां पे ये मत पढ़ लेना कि ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है, डिसीजन लिया गया था तो वो किस में लिया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान। कब आया था ये, 1946 में। इसके तहत ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की गई थी। वेवल प्लान कब आया था हमारा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्रिप्स प्रपोजल आया था हमारा 1942 में, और इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जिसके तहत गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, तो 1947, और इसके तहत इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई थी। महर्षि इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट, करंट अफेयर्स का है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना वो जानना बहुत जरूरी है, अगर ये आ गया तो हम इसे रिलीजियस टूरिज्म से कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप मुझे आंसर बताइए क्या है। सो हमारा आंसर होगा मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स, इनसे रिलेटेड है ये, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे
तब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं होगा, रिलीजियस टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है। महारिषि का फुल फॉर्म क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, तो ये पूरा जो है इसका फुल फॉर्म बनाता है। और इसमें क्या हुआ है कि G20 की मीटिंग जो है वाराणसी में हो रही है ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड, और जो हमारे प्लैनेट को और हमको हेल्दी बना सके। तो मिलेट जो है वो बहुत सस्टेनेबल क्रॉप है, इसमें वाटर भी कम चाहिए, पॉल्यूशन भी कम करता है ये, तो ये बाप ऑफ ऑल क्रॉप और बाप ऑफ ऑल फूड इसको बोला जा सकता है। तो इसी के लिए रिसर्च हो, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए, तो इस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? तीन चीजें दी हुई हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एंड ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, स्टेटमेंट दी गई है अबाउट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये क्या है? तो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2023 कंडक्ट किया गया था। ये ऑर्गेनाइज किसने कराया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये जो फाउंडेशन है, क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर? इट इज इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। थर्ड है, इट शुड बी यूज टू हाईलाइट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? हमारा आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या होगा, किसके अंडर आता है ये? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि इजीली आप इसे चूज कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आती है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका काम क्या है? तो देखिए, इंडिया जो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है, मोस्ट इंक्लूसिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ में ये इंस्पायर भी कर रहा है प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज को कि आप भी इस तरीके से इनोवेट हों, और यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए ये फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। और ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा जिससे इनोवेशन जो है इंडिया का वो इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एंटर्ड इनटू अ ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1767 एंड 69, ठीक है। तो कौन थे? हमारा आंसर है ए, 1, 2 एंड 3। तो इंग्लिश निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ये सभी जो है ट्रिपल अलायंस में आए थे अगेंस्ट हैदर अली, लेकिन मराठास जो है इनको हैदर अली ने खरीद लिया था, निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इंग्लिश बचे थे, इनको अकेले ही फिर फाइट करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड चगास डिजीज डे मना रही है। अब ये है लेस, बहुत ही कम जानते हैं लोग इस डिजीज के बारे में, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने रखा है, क्योंकि डिजीज पे क्वेश्चन आते हैं। चगास डिजीज क्या है, और ये जो स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट चगास डिजीज? क्या ये रेफर होता है एज साइलेंट एंड साइलेंस डिजीज? दूसरा है हमारा, क्या ये डिजीज प्रोटोजोन ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है? थर्ड स्टेटमेंट है, ये पैरासाइट जो है दीज आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय अ फैमिली ऑफ बग्स कॉल्ड ट्रायोटोमाइंस, और इनको किसिंग बग भी बोलते हैं, किस ही करते हैं ये सारे पैरासाइट्स हमको, राइट, तभी हम इनसे इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऑल आर करेक्ट, आंसर बताइए आप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मोस्ट फेवरेट सेक्शन। तो गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, कराची सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। आंसर है इसका सी, 1, 3, 2, 4। सो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। अब देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो ये हमारा 5 मार्च को हुआ और ये हमारा 26 मार्च को हुआ, इतना डिटेलिंग, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 को हुआ था, ये हमारा क्रोनोलॉजी है और आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925
विच पुट फॉरवर्ड डिमांड्स फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स. किसने किया था? एनी बेसेंट जो है उन्होंने ये किया था. एनी बेसेंट फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC भी रह चुकी हैं. 1917 में इन्होंने प्रेसाइड किया था और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीनिवास शास्त्री, ये आंसर नहीं होगा. बोथ लीडर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स शेयर्ड सिमिलर व्यूज ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. कौन से लीडर्स थे? तो हमारा आंसर होगा C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. इन्होंने साथ में मिलकर स्वराज पार्टी का भी फॉर्मेशन किया था. तो ये था हमारा आज का वीडियो. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर.